गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड होगा। और पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें, कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। When reproduction takes place as a result of fusion of two gametes, one from each parent, it is called a sexual reproduction. मतलब हम कह सकते हैं कि दो different parents, जैसे कि male and female, दोनों के दोनों gametes से release करेंगे, male gamete and female gamete, और उनका क्या होगा, fusion होगा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, आगे जाके zygote बनेगा। तो it means that process is known as a sexual reproduction। क्या बताया मैंने, इट टेक्स प्लेस वैन ए टू गैमेट्स फ्यूज ईच अदर ऑफ द ईच पेरेंट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो दो मेन जो बातें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, यहाँ पर भी इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपको मैं बताना चाहूँ, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल, इट मीन्स जेनेटिक फ्रैगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स कॉजिंग जेनेटिक रिकम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशन। हिंदी में अगर आपको बताता चलूँ, मेल गैमेट स्पर्म के माध्यम से और फीमेल गैमेट ओवम मीन्स एग के माध्यम से क्या होता है, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होंगे तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोजोम्स हैं, वो आपस में कंबाइन होंगे, रिकम्बिनेशन होगा वहाँ पर, और वहाँ पर आपको वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ये किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम कंपेयर करते हैं ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत कम मात्रा में वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब बात की जाए ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन किस में आएंगे, तो वो आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। नॉर्मली ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, ये फ्लावर्स के अंदर होता है। इनफैक्ट फ्लावर को हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं प्लांट का। फ्लावर्स बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं। बाईसेक्सुअल फ्लावर की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों गैमेट प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल भी। लेकिन हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ केवल एक ही क्या होगा, गैमेट प्रेजेंट होगा। मतलब दो अलग अलग पेड़ होंगे, एक पर क्या होगा, मेल गैमेट, और दूसरे फ्लावर में क्या होगा, फीमेल गैमेट। एक में मेल है और एक में फीमेल है, तो वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, दे आर दोज टाइप ऑफ फ्लावर्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट प्रेजेंट इन देम, या तो स्टैमन होगा या कार्पल होगा। अब देखिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हैं, स्टैमन एंड कार्पल, ये प्रेजेंट होते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूँ, हिबिस्कस मस्टर्ड। और वहीं पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे वाटरमेलन आपका क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। इसमें ये मल्टीपल फ्यूजन लिखा है, गलती से लिखा गया, लेकिन आप यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, हाउ टू मेक ए डायग्राम ऑफ द फ्लावर। मैंने फ्लावर को क्या बताया है, इट इज़ ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब इसके अंदर आप वन बाय वन आप देखने की कोशिश करें, तो इसमें ये जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम थैलामस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलामस, थैलामस, थैलामस से बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ ही क्या है, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में अटैच्ड होते हैं। नीचे इसमें मेल और गैमेट की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले हम मेल गैमेट की बात करते हैं। तो आप देखिएगा, ये जो बीच में जो आपको नज़र आ रहा है साइड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, और ये सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, स्टैमेन बनाते हैं। वहीं पे फीमेल की अगर बात करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की,
तो इसमें आ जाता है सबसे ऊपर जो स्टिकी पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, सेकंड नंबर पे ये जो ट्यूब नज़र आ रही है बीच में इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और लास्ट में जो ये पार्ट है हम इसको बोलते हैं ओवरी, और तीनों मिलके क्या बनाते हैं पिस्टिल, ये बात समझ में आ गई, जिसको हम कार्पल भी बोल सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आपको और नज़र आती है फ्लावर में, एक तो कलर्ड पार्ट और एक ग्रीन पार्ट। जो सबसे ऊपर जो कलर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेटल, और जो ग्रीन पार्ट है हम उसको क्या कहते हैं सेपल। ओवरी के अंदर जो सीड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं ओव्यूल्स बोलते हैं। तो इट मीन्स ये डायग्राम आपको आना चाहिए, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कई बार, और ये भी पूछा जाता है कि इनके पर्टिकुलर फंक्शन क्या हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताता चलूँ, ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फोर मेन वोल्स नेमली कैलेक्स। देखिए फ्लावर के अंदर चार मेन चीज़ें हैं, कौन कौन सी, कैलेक्स, कैलेक्स हो गया, सेकंड नंबर पे क्या आ गया बेटा कोरोला, थर्ड में एंड्रोसियम जिसको हम स्टैमन बोलते हैं, गाइनोसियम जिनको हम कार्पल्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कैलेक्स किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स टुगेदर नॉन एज कैलेक्स। अब वहीं पे कोरोला की अगर मैं बात करता हूँ तो कोरोला किसको कहा जाता है, ए ग्रुप ऑफ कलर्ड पेटल्स इज नॉन एज कोरोला, ये कोरोला कहलाएंगे। अब रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है फ्लावर का स्टैमन और कार्पल है। स्टैमन क्या है मेल पार्ट, और कार्पल क्या है फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट के अंदर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर ही क्या होते हैं बेटा पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनको हम मेल गैमेट भी कहते हैं, और स्मॉल एन से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि ये क्या होते हैं हैप्लॉयड होते हैं। यहाँ देखिए मियोसिस, मियोसिस लिखा गया है, तो मियोसिस से आप क्या समझते हैं, मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिडक्शन डिवीजन व्हेन ए क्रोमोजोम डिवाइड इनटू, जब क्रोमोजोम क्या होगा डिवाइड होगा किसमें, आधे में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए 46 क्रोमोजोम है तो मेल गैमेट में कितने क्रोमोजोम जाएंगे, केवल 23 क्रोमोजोम ही जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक सिंगल एन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, और माइटोसिस को एज इट इज़, क्रोमोजोम में कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलती, एज इट इज़ क्या होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं। कार्पल की अगर हम बात करें तो कार्पल क्या है फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में क्या क्या आ जाते हैं, स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा। और ये जो पार्ट है स्टिग्मा, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट था, और फिर उसके जस्ट नीचे स्टाइल आता है, और लास्ट में ओवरी, ये बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। उस ओवरी के अंदर क्या होते हैं एग सेल्स, एग सेल होते हैं ओव्यूल के अंदर, जिसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोजोम नंबर है वो क्या होते हैं हाफ होते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट हमारी कि पोलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर, जो पोलन ग्रेन्स हैं फ्लावर का, ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर सेल पॉलिनेशन, या हम कहें स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ द अनदर फ्लावर इज कॉल्ड ए क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बनता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को किस तरीके से आप बताइएगा, आप बताएंगे द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। लेकिन इसी पॉलिनेशन के अंदर अगर हम कहें द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो हम उस टाइप की पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ क्या कह सकते हैं हम, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर इट इज़ नॉन एज द क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपको ये जो एजेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, व्हाट आर दी एजेंट्स, एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स वो होते हैं जिनकी सहायता से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, विंड, वाटर और एनिमल्स, इनकी सहायता से क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर से कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जब पॉलिनेशन हो जाता है तो पोलन ग्रेन के अंदर से क्या है पोलन ट्यूब रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। पोलन ट्यूब अगर ग्रो करेगी तो इसका मतलब क्या है कि पोलन ट्यूब के अंदर मेल जर्म सेल्स हैं, और वो मेल जर्म सेल्स कहाँ तक पहुँचेंगे ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर पहुँचने के बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा वहाँ पर फीमेल जर्म सेल्स के
साथ, तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इट अकर्स इनसाइड द ओवरी। ये किसके अंदर होता है बेटा, ओवरी के अंदर होता है, और वहाँ पे फिर क्या बनेगा, जाइगोट प्रोड्यूस होगा। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आप एक ही लाइन में इसका आंसर भी दे सकते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ओवरी के अंदर देखिए, ओवरी में क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, एग सेल है, एग सेल के अंदर क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। आपको ये चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलेंगी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर अभी के एग्ज़ाम में आया था, 2020 का जो एग्ज़ाम था, ये अभी 10th क्लास का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये सभी बच्चे अच्छे तरीके से करके आए हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको डायग्राम भी सिखाया जाएगा, कैसे डायग्राम बनाए जाते हैं। आप मेरी वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं अच्छे तरीके से, मेरे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे डायग्राम बना पाएंगे। ये जो पार्ट है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। नेक्स्ट क्या है, स्टाइल, और थर्ड क्या है, ओवरी। यहाँ इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आ गए। अब पोलन ग्रेन किसकी सहायता से आए, पोलन ग्रेन आए हैं एजेंट्स के माध्यम से, हो सकता है एयर के थ्रू आए हों, वाटर के थ्रू आए हों, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियली भी आ सकते हैं। तो ये पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और फिर यहाँ से क्या होता है कि पोलन ट्यूब रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पोलन ट्यूब जब बनती है, इसी पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, मेल जर्म सेल्स होते हैं। ये नीचे ओवरी वॉल दे रखी है, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, फ्यूचर सीड कॉर्ड कहा जाता है इसको। बीच में आपको ये नज़र आएगा, ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, ये है हमारा ओवरी, हमारा नहीं, ये प्लांट की ओवरी है। इस प्लांट की ओवरी के अंदर आप ध्यान से देखें तो ये जो पोलन ट्यूब है, बिल्कुल लास्ट में माइक्रोपाइल एंड की तरफ से क्या करता है, एंटर करता है, और दो जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं वो किस में ट्रांसफ़र कर देता है, ओवरी के अंदर, और वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट बनेगा तो क्या प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। फर्दर आपको बताता चलूँ, जाइगोट्स डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। जाइगोट लगातार डिवाइड होता रहेगा और एम्ब्रियो बन जाएगा ओव्यूल के अंदर, और जो ओव्यूल है वो डेवलप्स ए टफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू ए सीड। ओव्यूल डेवलप होगा और लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ओवरी क्या करेगी, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी, राइपन होगी, क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो सीड जो फ्यूचर प्लांट के अंदर होते हैं एम्ब्रियो, वो नॉर्मली आप देखेंगे तो सूटेबल कंडीशंस के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा। अगर कोई भी सीड, उसको फेवरेबल कंडीशंस अगर मिल जाती है तो ही वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मैंने क्या बताया था, दे कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पल। बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, जिनके अंदर दोनों स्टेमन और कार्पल प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, पपाया, वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल फ्लावर के हिबिस्कस, मस्टर्ड। ये इजीली है, ये आप इसको याद कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया है टू द पॉइंट बताया है, आपसे एग्ज़ाम के अंदर टू द पॉइंट पूछा जाता है, आपको एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपना समय बचाएं, आप अपनी राइटिंग पे ध्यान दें, आपके नंबर 100 out of 100 कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको फिर भी जाते वक्त मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और कोई भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर डालें। जैसा भी आपको वीडियो लगे आप कमेंट ज़रूर दें, और मेरे वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको अच्छा लगता है। तो मैं आपसे यही दुआ करता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।